ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नोकिया 7 प्लस के बारे में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, नोकिया 7 प्लस का कब है लॉन्च डेट, इस स्मार्टफोन का इंडिया में क्या प्राइस होगा, इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है या नहीं, इसमें आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है या नहीं, तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं एंड उन सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने वाला हूं जो कि मेरे से रिपीटेडली पूछे गए हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में नोकिया 7 प्लस का क्या प्राइस होने वाला है। सो दोस्तों, नोकिया 7 प्लस का ग्लोबली प्राइस रखा गया है 399 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में 32,000 रुपीज होता है एंड चाइना में इसे स्मार्टफोन का प्राइस रखा गया है 2299 युआन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23,000 होता है। सो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में इस स्मार्टफोन का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 25,000 टू 30,000 होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडिया में नोकिया 7 प्लस कब लॉन्च होने वाला है। सो दोस्तों, नोकिया 7 प्लस 4 अप्रैल 2018 को लॉन्च होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है कि नोकिया 7 प्लस के डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं। सो हाँ दोस्तों, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि नोकिया 7 प्लस में आपको कौन सा प्रोसेसर एंड जीपीयू मिलता है। सो दोस्तों, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 मिलता है विद एड्रेनो 512। ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है इन द मिड रेंज स्मार्टफोन बजट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इसमें आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है या नहीं। सो नहीं दोस्तों, इसमें आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। सिक्स क्वेश्चन है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है या नहीं। सो हाँ दोस्तों, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि इसमें आपको यूएसबी टाइप सी मिलता है या माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है। सो दोस्तों, इसमें आपको यूएसबी टाइप सी मिलता है। आठवां क्वेश्चन है कि इसमें आपको कौन सा एंड्रॉयड मिलता है। सो दोस्तों, इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 8.0 ओरियो का अपडेट मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन चूंकि ये एक एंड्रॉइड 1 डिवाइस है, सो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 8.1 ओरियो का अपडेट जल्दी ही मिल जाएगा। नौवां एंड आखिरी क्वेश्चन है कि इसमें आपको कौन कौन सा कलर वेरियंट मिलेगा। सो दोस्तों, आपको इसमें दो वेरियंट मिलेगा, ब्लैक कॉपर एंड व्हाइट कॉपर। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे से रिपीटेडली पूछे गए थे मेरे कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नोकिया 7 प्लस के बारे में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग नोकिया 7 प्लस काफी अच्छा स्मार्टफोन एंड काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है अगर नोकिया ने इसे 25,000 रुपीज के अराउंड लॉन्च किया तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।